नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। उत्तरी कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन 20 दिन तक गायब रहने के बाद एक दिन अचानक फिर लौट आए। गंभीर रूप से बीमार होने, ब्रेन डेड हो जाने या मारे जाने की तमाम अटकलों के बीच वे मुस्कुराते हुए नजर आए और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में फर्टिलाइजर फैक्ट्री का उद्घाटन भी किया। हालांकि अब उसी कार्यक्रम की एक तस्वीर दक्षिण कोरिया के सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसी बीच उत्तरी कोरिया की सरकारी न्यूज एजेंसी योनहाप ने किम जोंग की जो वीडियो जारी की है वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही। भले ही सन की तानाशाह किम जोंग स्वस्थ नजर आ रहे, लेकिन फर्टिलाइजर फैक्ट्री के दौरे की वीडियो में कई जगह उनके दाएं हाथ की कलाई में सुई का बड़ा सा निशान नजर आ रहा है। जानकारों के मुताबिक ये निशान आम नहीं है और ऐसा निशान सिर्फ कई दिनों तक मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के बाद ही बनता है। ये फोटो साउथ कोरिया के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई और लोग तमाम तरह की अटकलें भी लगा रहे हैं। यहाँ पर एक दिलचस्प बात बता दें कि उत्तर कोरिया ने शनिवार को कहा था कि किम जोंग उन शुक्रवार को प्योंगयांग के पास खाद फैक्ट्री का कार्य पूर्ण होने के मौके पर रखे गए एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। पिछले 20 दिनों में ये पहला मौका है जब तानाशाह सार्वजनिक तौर पर नजर आए। उत्तर कोरिया के सरकारी मीडिया द्वारा जारी वीडियो फुटेज में किम के फिर से नजर आने के बाद उन अटकलों पर विराम लग गया था कि वो या तो बहुत बुरी तरह बीमार है या हो सकता है कि उनकी मौत हो गई। लेकिन कुछ मीडिया संगठन और समीक्षक किम के स्वास्थ्य को लेकर अब भी सवाल उठा रहे हैं। वे उन क्षणों का हवाला दे रहे हैं जहां फैक्ट्री के कार्यक्रम में किम के चलने का अंदाज कुछ सख्त सा लग रहा था। राष्ट्रपति भवन ब्लू हाउस के मुताबिक दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रविवार को संवाददाताओं को बताया कि सरकार को इस बात का भरोसा है कि किम जोंग की कोई सर्जरी, कोई इलाज नहीं हुआ। विश्व के सबसे गोपनीय देशों में से एक उत्तर कोरिया में होने वाली गतिविधियों की पुष्टि करने में दक्षिण कोरिया का रिकॉर्ड असमान रहा है। लेकिन जब हाल के हफ्तों में किम के स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें आने लगी, तब दक्षिण कोरियाई सरकार ने उन्हें निराधार बताकर दृढ़ता से खारिज कर दिया और कहा कि उत्तर कोरिया में किसी तरह की असामान्य गतिविधि नहीं हुई। ये पहली बार नहीं है जब किम लंबे वक्त तक सार्वजनिक तौर पर न दिखाई दे। इससे पहले 2014 में भी वो 6 हफ्ते के लिए लापता हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि किम जोंग की हर खबर भी रहस्य से भरी होती है। लेकिन हाथ में सूजन और नीडल्स के निशान कुछ सवाल खड़े करते हैं।